नमस्कार, मैं आशुतोष आनंद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस। अभी हम गोंडा जिला के माँ योगिनी मंदिर में, आज सप्तमी पूजा है और आज का दिन यहाँ बहुत खास। आप देख सकते हैं आज छर्रा पूजा को लेकर यहाँ पर काफी लोग मौजूद, हजारों की संख्या में हर वर्ष यहाँ छर्रा पूजा को लेकर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से माँ का आशीर्वाद लेकर आगे नट राजा का गांव है वहाँ जाते हैं। क्या क्या श्रद्धा और क्या विश्वास है, क्या नाम हो आपका? अशोक कुमार ब्रह्म। आज यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए हैं, क्या कारण है, क्या मान्यता है यहाँ का? सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ शांति व्यवस्था सब प्रदान होता है और लोगों की आस्था है, खास करके आज के दिन। आज के दिन ठहरा क्योंकि सप्तमी पूजा दिन शांति पूजा दिन का ठहरा, इसमें से दूध गंगा जल घी सीता लगाते हैं, सीता इसलिए लगाते हैं रास्ता को शुद्ध करते हैं और माँ के आगमन की तैयारी करते हैं। आइए माताओं से पूछते हैं कि कितना दिन से आ रहे हैं आप? 20-25 साल से। अच्छा, क्या करते हैं आज के दिन यहाँ आते हैं तो करते क्या है? पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? तमाम श्रद्धालु माताएं बहने भाई लोग आए हुए हैं यहाँ माँ का आशीर्वाद। आइए अंदर आपको दिखाते हैं कि माँ जहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कि अभी देखिए, अभी अभी हमारे साथ पूर्व विधायक गोड्डा जिला के यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप आज आए हैं और चुनाव का आगे मौसम भी है, तो क्या आशीर्वाद देने आए हैं आप? आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का भव्यता और यहाँ की प्राचीनता और यहाँ की विशेषताओं के बारे में लोगों से जानेंगे और आगे बहुत मंदिर में आपको दिखाएंगे। आए माँ का मुख्य मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं और आज का दिन खास है, इसीलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। आइए दर्शन करते हैं माता का। मंदिर के मुख्य पुजारी आशुतोष बाबा है, आइए इनसे जानते हैं कि आज के दिन खास क्या है। बाबा, आज के दिन क्या खास है? ठीक है, और यहाँ की परंपरा है सप्तमी के दिन में कम से कम 50,000 से ऊपर की भीड़ होती है और सौ की मेला लगती है। पहला श्रृंगार इसी मंदिर में करके उसके बाद भरनी माँ का जब पूजा होगा, पूजा के साथ ही साथ ये सब जितना देखते हैं झाड़ू वाला लोग आगे पीछे झाड़ू देते हुए दुर्गा मंदिर तक, तो प्राचीन परंपरा है। यह पहले इस तरह की मेरा और इसी वर्षों की मेरा और कहीं नहीं होता, मतलब इस पूजा में सिर्फ महिलाएं हिस्सा लेती हैं, मेरा ही ज्यादा उसी को उपवास रह करके उसी के बर्तन में दूध जल गंगा जल सिंदूर ले करके भरी धरती है, पहला श्रृंगार मंदिर में करती है, उसके बाद फिर भरी माँ का जब पूजा होगा, भरी माँ जब जाने लगेगी तब आगे पीछे लोग झाड़ू बांटते हुए और दूध का पूजा देते हुए जिसको भी सावा करता है देते हुए और लोग आगे पूजा करते हुए मंदिर करता है। यहाँ से मंदिर जैसा कि बाबा ने बताया कि यहाँ से झाड़ू मारते हुए 1.5 किलोमीटर दूर है बारकोट दुर्गा मंदिर, जो प्राचीन है और यहाँ पर बड़ी भव्यता के साथ माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है। यही वो बारकोट दुर्गा मंदिर है जो प्राचीन काल से यहाँ पर दुर्गा माँ का पूजा किया जा रहा है। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ मंदिर बलि किया जाता है, यहीं पर एक बलि किया जाता है। यहाँ पर इन तमाम महिलाएं जो आप रास्ते में देखी कि एक मटके में दूध और घी और सिंदूर लेके बैठी,
परिवार में माता के दरबार में जब भी हम कहीं जाते हैं तो उसको नमन करते हैं, जो विधि विधान वहाँ का है उस नियम के साथ हम लोग जो है उसको पूरा करते हैं। और माता का सेवा करना पूरे देश और राज्य का सेवा करना होता है, इसलिए करके मैया के प्रति आस्था है और माँ जोगनी के प्रति हमारा जब से हम यहाँ पे आए हैं आज 19 साल हमको बीतने चला और माँ के प्रति आस्था है। माँ जोगनी से हम यही मांग करते हैं कि इस इलाका को सुखी संपन्न रखे, इलाका को खुशहाल रखे। माँ जोगनी से यही हम नम्र निवेदन प्रार्थना करते हैं। मंदिर स्थित बेल गाछ के पास है और हमारे साथ है पत्थरगामा से हमारे सहयोगी शशि जी। शशि जी से जानेंगे कि क्या महत्व है और कैसे कैसे यहाँ पर पूजा किया जाता है। शशि जी, क्या महत्व है आज के दिन का, यहाँ क्या खास है और कैसे यहाँ पर पूजा किया जाता है? माँ बेलभरण की पूजा करने के बाद इतने वर्षों के बाद जिन लोगों ने मन्नतें मांगी थी माँ दुर्गा, उन लोगों की मन्नतें पूरी होने के बाद वो लोग झाड़ू के माध्यम से यहाँ से दुर्गा मंदिर तक जाते थे। कई लोग छुट्टिया में अर्थात कलश में दूध लेकर भी आते हैं माता बहने, वो लोग भी माँ दुर्गा को, माँ भगवती को वो लोग अर्पण करने के लिए